पहली मिस इंडिया प्रतियोगिता 1947 में आयोजित की गई थी। उस समय ये खिताब पॉपुलर फेस कॉन्टेस्ट जैसा हुआ करता था। एक अभिनेत्री अपने फैशन सेंस और खूबसूरती की वजह से उस दौर में मैगजीन्स के कवर पर छाई रहती थी, इसीलिए पहला मिस इंडिया का खिताब उन्हें दिया गया। वो बगदादी ज्यूइश अभिनेत्री थी एस्थर विक्टोरिया एब्राहम, जिन्हें सिनेमा की दुनिया में प्रमिला के नाम से जाना जाता था। जब उन्होंने मिस इंडिया का खिताब जीता, उनकी उम्र थी 31 साल और वो अपनी 5वीं संतान को जन्म देने वाली थी। हैरत की बात है ना, मगर यही सच है। चार्मिंग ब्यूटीफुल एक्ट्रेस एस्थर विक्टोरिया एब्राहम यानी प्रमिला अपने दौर की वाइब्रेंट पर्सनैलिटी थी। क्यूबन इब्राहिम अपने समय के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। अपनी पहली पत्नी की मौत के बाद उन्होंने मतलदा नाम की एक स्त्री से विवाह किया, जिससे उन्हें 6 बच्चे हुए। उनमें सबसे बड़ी थी एस्थर, जो प्रतिभावान होने के साथ साथ बहुत जिद्दी भी थी। जो चाहती थी वही करती थी। स्पोर्ट्स, ड्राइंग सभी में अव्वल। हॉकी में तो उन्होंने कई ट्रॉफीज भी जीती थी। अपनी हाई स्कूल की डिग्री पूरी करने के साथ साथ उन्होंने किंडरगार्टन में पढ़ाया। वो इतनी प्यारी थी कि बच्चे उनके इर्द गिर्द घूमते रहते थे। उन्होंने बीएड की डिग्री भी ली, मगर टीचिंग को अपना प्रोफेशन नहीं बनाया। 17 साल की थी जब वो कोलकाता छोड़कर मुंबई आ गई और थिएटर कंपनी में काम करने लगी। उनका काम था प्रोजेक्टर पर रील बदलने के दौरान जो ब्रेक आता है उसमें अपने डांस से दर्शकों को एंटरटेन करना। उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ तब आया जब वो अपनी कजन रोज से मिलने गई। रोज फिल्मों में थिएटर में एक्टिंग किया करती थी। उस दिन भी वो एक ऑडिशन दे रही थी। जब निर्देशक आरएस चौधरी ने एक लंबी खूबसूरत अच्छी व्यक्तित्व वाली एस्थर को देखा तो उन्होंने उनका भी ऑडिशन ले लिया, जिसमें वो पास भी हो गई और फिर एस्थर आर्देशिर ईरानी की इंपीरियल फिल्म कंपनी की आर्टिस्ट बन गई। उस समय यूं तो स्टूडियो सिस्टम बहुत स्ट्रांग था, पर कोल्हापुर सिनेटोन ने किसी तरह अपनी फिल्म भिकारन में उन्हें कास्ट कर लिया और 1935 में आई इस फिल्म में खलनायिका के किरदार ने उन्हें एक मजबूत पहचान दिलाई, साथ ही एक नया नाम भी प्रमिला, जो बाबूराव पिंडारकर ने उन्हें दिया। भिकारन के बाद महामाया, हमारी बेटियां, मदर इंडिया, बिजली, जंगल किंग, सरदार, कंचन, सहेली, शालीमार, उल्टी गंगा, बड़े नवाब साहब, आप बीती, धुन जैसी करीब 30 फिल्मों में प्रमिला ने अभिनय किया। अक्सर वो वैम्प की भूमिका में ही नजर आती थी। ओ, उस नई लड़की से? इसीलिए आज थिएटर में आना हुआ। प्रमिला प्रोफेशनली और पर्सनली हमेशा एक चर्चित हस्ती रही। वो शुरू से ही फिल्म और फैशन वर्ल्ड की सेंसेशनल पर्सनैलिटी थी। वो अपने वक्त में इतनी पॉपुलर थी कि उन्हें हॉलीवुड से भी फिल्मों के प्रस्ताव मिले, मगर उन्हीं दिनों विश्व युद्ध शुरू हो गया और ये संभव नहीं हो पाया। प्रमिला ने पहली शादी की एक थिएटर पर्सनालिटी से। उनका एक बेटा हुआ, मगर इस शादी को उनके माता पिता ने तोड़ दिया। फिर 1939 में उन्होंने दूसरी शादी की अभिनेता सैयद हसन अली जैदी से, जिनका स्क्रीन नेम था कुमार। कुमार पहले से शादीशुदा थे और उनके बीवी बच्चे लखनऊ में रहते थे। शादी के बाद कुमार और प्रमिला की जिंदगी किसी हसीन सपने की तरह थी। घूमना फिरना, पार्टीज, होटल्स, हॉर्स रेस, फास्ट कार्स, ये सब उनके रूटीन का हिस्सा थे। उनके 4 बच्चे हुए, अकबर, असकर, नाकी और हैदर। 1942 में कुमार और प्रमिला ने सिल्वर फिल्म्स नाम से एक प्रोडक्शन कंपनी की शुरुआत की। सिल्वर फिल्म्स के बैनर तले उन्होंने लगभग 16 फिल्में बनाई, लेकिन विभाजन के बाद कुमार अपनी पहली पत्नी और बच्चों के साथ पाकिस्तान चले गए, मगर प्रमिला ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। वो अपने बच्चों के साथ मुंबई में ही रहीं, लेकिन उस वक्त उन पर बहुत कर्ज था। उस कर्ज से छुटकारा पाने के साथ साथ बच्चों की परवरिश करते हुए उन्हें अपनी प्रॉपर्टी को वापस पाने के लिए भी एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी, मगर वो कभी कमजोर नहीं पड़ी और आखिरकार उन्हें जीत हासिल हुई। उनके बच्चों में से सिर्फ एक हैदर फिल्मों से जुड़े हैं। उनकी बेटी नाकी अपने समय की पॉपुलर मॉडल थी और उन्होंने भी मिस इंडिया का खिताब जीता था। इस तरह देखे तो ये इकलौती माँ बेटी हैं जिनके सिर पर मिस इंडिया का ताज है। प्रमिला की आखिरी फिल्म थी 2006 में प्रदर्शित थांग। अमोल पालेकर की इस फिल्म में उन्होंने दादी माँ की भूमिका की थी। 2006 में ही 6 अगस्त को प्रमिला इस दुनिया को अलविदा कह गई। गुजरे जमाने की ऐसी बहुत सी गुमनाम हस्तियां हैं जिनका फिल्म इतिहास में अहम रोल रहा है। प्रमिला उनमें से एक थी। अपने स्टाइल, फैशन सेंस और पहली मिस इंडिया के तौर पर वो हमेशा याद की जाती रहेंगी।